आप देख रहे हैं संवेदना न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जनपद वाराणसी में एमएलसी स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन के लिए पहाड़िया मंडी से पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। इन पोलिंग पार्टियों को शुक्रवार दोपहर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रवाना किया। एमएलसी चुनाव के लिए मतदान शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक होना है, जिसको लेकर जनपद वाराणसी में कुल 11 बूथ बनाए गए हैं। शुक्रवार दोपहर सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था के साथ पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर रवाना हुई। ये पोलिंग पार्टियां अपने बूथों पर रात्रि विश्राम करेंगी और अगले दिन एमएलसी चुनाव को सकुशल संपन्न कराने का दायित्व इन्हीं के कंधे पर है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सबको विश्वास में लेते हुए ये चुनाव निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराया जा रहा है। शनिवार को कुल 4,939 मतदाता एमएलसी चुनाव में खड़े उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतगणना 12 अप्रैल को संपन्न होगी। एमएलसी स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन के लिए आज 8 तारीख को सारी पोलिंग पार्टीज को यहाँ वाराणसी मंडी समिति से रवाना किया जा रहा है। वाराणसी में कुल 11 बूथ हैं, उन 11 बूथ के लिए सभी पोलिंग पार्टियों को अभी यहाँ पे ब्रीफिंग दी गई है। सारी चीज़ों की फाइनल थर्ड ट्रेनिंग दोबारा से दी गई है और सारी चीज़ें समझाने के बाद उनको छोटी गाड़ियों में सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस के एस्कॉर्ट के साथ अब रवाना किया जा रहा है। 1 घंटे में ये सारे लोग बूथ पे पहुंच जाएंगे, फिर रात्रि में वहीं पे विश्राम करेंगे। कल सुबह 8 बजे से 4 बजे तक पोलिंग इनको करवानी है, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं कल की भी इनको समझा दी गई हैं। स्टैटिक मजिस्ट्रेट वहां पे एक एक मजिस्ट्रेट हर बूथ पे सीनियर एसडीएम एसीएम रैंक के अधिकारियों को बनाया गया है, उनको भी ब्रीफिंग दे के आज शाम को वहाँ भेजा जाएगा। वो दोबारा निरीक्षण करेंगे और कल सारे दिन साथ रहेंगे। इसके अलावा जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स भी बृहद मात्रा में बना दिए गए हैं, जो बूथ के आसपास और बूथ के क्षेत्रों में भ्रमणशील रह के देखेंगे कि किसी लैंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न ना हो। कुल मिला के 3 जिले, जिसमें चंदौली और भदोही भी शामिल है, 3 जिले की ये एक सीट है जिसकी केवल वाराणसी की पोलिंग पार्टी यहाँ से भेजी गई है। चंदौली और भदोही जिलों की पोलिंग पार्टी उन्हीं जिलों के द्वारा भेजी गई है। कल वो पोलिंग करवाने के बाद जब बैलेट बॉक्स प्राप्त होंगे, उन सारे बैलेट बॉक्स को एक साथ ला के यहाँ मंडी समिति में जमा करवाएंगे। उसके बाद उन दोनों जिलों में कोई एक्टिविटी नहीं होनी है। मतगणना का काम यही मंडी समिति में ही मतगणना कक्ष बना के कराया जाएगा, जो कि 12 तारीख को निर्धारित है, यहाँ पे होंगे। उसके बाद कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव बैठ के लगातार 3 दिन तक सुरक्षा व्यवस्था भी देख सकते हैं। उसके लिए टेंट आदि की व्यवस्था करा दी गई है। रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम मांगे गए हैं ताकि उनके पास जारी करा दिए जाएँ और कुल मिला के सबको कॉन्फिडेंस में लेते हुए यह काम कराया जा रहा है और उम्मीद है कि सारा का सारा इलेक्शन बड़े ही पीसफुल तरीके से कल सम्पन्न होगा। वाराणसी पूरी सीट के लिए 4,949 वोटर हैं और वाराणसी पूरी सीट के लिए 26 हमारे कुल बूथ हैं, जिनमें से 11 बूथ वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के हैं और 15 बूथ हमारे 2 अलग अलग जिलों में हैं, जिसमें से 9 बूथ चंदौली के और 6 बूथ भदोही के हैं। कुल मिला के 26 बूथ, 4,949 वोटर हैं और 3 कैंडिडेट मैदान में हैं, जिनमें 2 राष्ट्रीय पार्टियों के हैं, एक हमारे स्थानीय राज्य स्तरीय पार्टी के हैं और एक निर्दलीय हैं। तो इस प्रकार से 3 हमारे कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट के बैलेट पेपर छप के आ चुके थे जिनको वितरित करवा दिया गया है और क्योंकि वोटर बहुत कम है इसलिए मतगणना भी उम्मीद है कि 3-4 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। 12 तारीख को मतगणना की जो ट्रेनिंग्स हैं वो भी मतगणना कर्मियों को दे दी गई है और अब 12 तारीख की तैयारियां भी हम लोगों ने चालू